गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि हम लोग DSSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। हमें आपको वीकली टारगेट्स बताऊं, मंथली डेली टारगेट्स बताऊं, तो हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे कैसे आप DSSSB का एग्जाम अपने पहले अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे सबसे पहले जनरल पेपर के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जनरल पेपर के अंदर मार्क्स देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे हमारा जनरल पेपर जो होता है 100 नंबर का होता है और हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं PRT, TGT या PGT एग्जाम की, आप लोगों का जो 100 मार्क्स का जनरल पेपर होता है उसका जो सिलेबस होता है इट इज़ सेम फॉर एवरी पोस्ट। मतलब चाहे आप PGT की बात करें, चाहे PRT की बात करें, चाहे हम TGT की बात करें, हमारा जो 100 मार्क्स का सिलेबस होता है वो सबके लिए सेम होता है। मतलब आपको सबको ही एक लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है, बट हम जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक करते हैं तो आपको PGT में हायर लेवल की स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, थोड़ी ग्रेजुएशन लेवल तक की। TGT के लिए हम लोगों को 12th तक पढ़ना पड़ता है और PRT के लिए आप लोगों का एकदम ही डिफरेंट हो जाता है, हम NIOS की बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब जनरल पेपर की बात करते हैं 100 नंबर की, तो आपके 100 नंबर जो होते हैं आपको पता है 5 पार्ट्स में, 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें आपका एक तो जनरल, आपका जनरल नॉलेज आ जाता है, जनरल अवेयरनेस आ जाता है 20 मार्क्स का। देन आपका आ जाता है रीजनिंग 20 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स एंड मैथ्स 20 मार्क्स। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं अपनी थोड़ी मेहनत के साथ ही। मतलब अगर आप लोग हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो 20 में से 15-16 नंबर लाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। 15-16 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, तो आप 13-14 नंबर लाना भी मुश्किल नहीं है हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग में। मतलब आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। देन जब हम लोग बात करते हैं मैथ्स की और जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस सबका अच्छा नहीं होता, यू नीड लॉट्स ऑफ हार्डवर्क टू प्रिपेयर फॉर जनरल अवेयरनेस, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ही इतना ज़्यादा होता है कि हम करते करते थक जाते हैं। एंड देन आ जाती है आपकी मैथ्स। मैथ्स जो होती है सिर्फ जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं या साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं उनकी मैथ्स जो होती है अच्छी खासी होती है, मतलब एग्जाम को क्लियर करने वाली होती है, ठीक है। पर जो हिंदी, इंग्लिश, आपके सोशल साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उन लोगों का मैथ्स जो होता है इतना खास नहीं होता है। सो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है जनरल पेपर का मतलब क्या है। अगर जनरल पेपर बोल रहे हैं, जनरल पेपर मतलब इट इज़ जनरल एग्जाम वेलकम। जनरल मतलब चाहे आप हिंदी बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप मैथ्स हैं, चाहे साइंस है, सोशल साइंस है, आप लोगों से जनरल मैथ्स पूछी जाएगी। जनरल मतलब जिस जो आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ी हुई है, आपको बहुत हाई लेवल की मैथ्स नहीं पढ़ी जाए, मतलब पूछी जाएगी क्वेश्चंस में। तो आज इस वीडियो में हम मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और कैसे आराम से उस मैथ्स में 20 में से 14-15-16 नंबर आराम से ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, अपने डर को पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जब तक दिमाग में डर रहेगा, मैथ्स को लेके फोबिया रहेगा कि मुझसे नहीं होगा, मेरे सर के ऊपर से मैथ्स जाता है, मुझे मैथ्स में कुछ समझ नहीं आता है, मेरा डब्बा गोल है, ये सारे के सारे वर्ड्स बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए और आज एक नई शुरुआत करते हैं मैथ्स के साथ। मैथ्स, जनरल मैथ्स पूछा जाएगा, ज़्यादा अच्छे लेवल का मैथ्स नहीं आएगा। और जनरल मैथ्स जो होता है हमारा क्लास 8 तक के लेवल का होता है, मतलब आपको क्लास 8 तक के लेवल का मैथ ज़रूर आना चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ना 8 क्लास तक के टॉपिक्स में पढ़ लेते हैं। तो अगर आप लोग DSSSB का सिलेबस देखेंगे, जनरल एग्जाम का, मैथ्स का, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको जनरली अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाती है। मतलब अगर आप साइंस के टीचर भी बन रहे हैं तो 8वीं तक का मैथ्स आपको आना चाहिए। अगर आप सोशल साइंस के बन रहे हैं तभी भी आपको आना चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों का जनरल एग्जाम होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट नोट डाउन द टॉपिक्स कि आपको कौन कौन से टॉपिक जरूर करने हैं। ये टॉपिक्स आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी करने कैसे हैं, ठीक है। देन अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, सबसे पहले आपका जो टॉपिक आ जाता है ये आपकी आ जाती है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपके काफ़ी सारे नंबर्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स आ गए, ठीक है। आपके फ्रैक्शंस आ जाते हैं, आपके इर्रेशनल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। देन आपका ये आ गया सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, ये आपको करना है। ये आप 8 तक के लेवल में टॉपिक्स में कवर कर लेते हैं।
देन आ जाता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको डाटा दे रखा होगा, आपको उसको इंटरप्रेट, उसको बताना है कि कैसे उससे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे डाटा के बेस। ठीक है, जैसे वो मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैं इस तरह से बात कर रही हूँ। देन आपका यहाँ का डेसिमल्स, डेसिमल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। LCM आ गया आपका, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर जिसको आप बोलते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें आप फिफ्थ सिक्स में आ जाती हैं LCM HCF, तो ध्यान रखिए इतना हार्ड नहीं है। देन आ गए फ्रैक्शंस, मैंने बता दिया। रेशियो प्रपोर्शन आपको क्लास सिक्स सेवन दोनों की बुक्स में देखने को मिलेगा। देन आ गया प्रॉफिट लॉस, ये आप सिक्स सेवन एट की बुक से कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, एवरेज आ गया, डिस्काउंट आ गया, टाइम एंड वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक ऑफ DSSS भी, टाइम एंड वर्क। कि 10 आदमी और 5 औरत इतने दिन में काम कर रही है, तो बताओ 4 आदमी और 3 औरत कितने दिन में करेंगी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देन मेजरमेंट ऑफ टाइम स्पीड, ये डिस्टेंस स्पीड वाले की दो ट्रेन है, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इस स्पीड से, एक बार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इस स्पीड से, बताओ अब इन दोनों की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इस तरह के ट्रेन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन आपका ये ग्राफ आ जाता है, ग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब करें क्या, अगर हम लोग वीकली टारगेट्स की बात करें, सी एक तरीका तो ये होता है कि एक बार हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट लें और अपना 15 दिन का टारगेट बनाएं कि 15 दिन में मैथ्स ख़त्म करनी है। जैसे मैं सारे सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं पढ़ती थी, मेरा क्या था, अगर मैंने हिंदी उठाई है तो मैं हिंदी ही पढ़ती थी। हिंदी मैंने 15 दिन 16 दिन हिंदी 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 करी, चाहे बुक्स हों हिंदी की, चाहे यूट्यूब वीडियोज हैं हिंदी की, मैं हिंदी के पीछे लग गई। और तब जब तक मैंने कंप्लीट नहीं करा, मैंने दूसरा सब्जेक्ट उठाया नहीं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मैथ्स को करना, तो ये जनरली अगर 13-14 टॉपिक्स भी हैं मैथ्स के, तो आप ये देखिए इन 14 टॉपिक्स को मैंने 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। तो 20 नंबर का मैथ्स अपना टारगेट बनाइए कि 10 दिन के अंदर मुझे 20 नंबर की मैथ्स पूरी कंप्लीट करनी है एट एनी कॉस्ट। चाहे मुझे दिन में 4 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे मेरा ये सब्जेक्ट 6 घंटे में हो रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो घंटे देख के ना पढ़े कि हमने कितना घंटे पढ़े, अरे आज तो 4 घंटे हो गए, आज 2 ही घंटे, नहीं। आप अपने टारगेट को लेके चलेंगे, ये मेरे मैथ्स के टॉपिक्स हैं। अगर मैं सिंप्लीफिकेशन डाटा इंटरप्रिटेशन एक दिन में करता हूँ, दूसरे दिन में मुझे डेसिमल HCF करना है। करने का मतलब ये नहीं है आपने पढ़ना है, मैथ्स जब तक नहीं आएगी जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ही वीक हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, NCERT उठानी है। NCERT से आप टॉपिक्स अपने देखिए, उसके बाद आप लोग कोई भी बुक, अरिहंत की बुक भी आती है, राकेश यादव सर की बुक भी आती है, आप उनको लेख से देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। DS सर का चैनल मैंने आपको बताया था, DS सर के चैनल पे भी आपकी कंसेप्ट्स, मतलब बुक से नहीं पढ़ना है, NCERT से नहीं पढ़ना है, आप DS सर के क्लासेस देखिए मैथ्स की। एक एक टॉपिक उठाइए, आपको पहले वो लॉन्ग मेथड भी समझाएंगे, फिर शॉर्टकट मेथड समझाएंगे, और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन क्वेश्चंस की उनके चैनल से। राकेश यादव चैनल की अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है, अब डिटेल में इतना भी टाइम नहीं है कि आप इतना डिटेल में जाएं, तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बुक ले लीजिए, NCERT को सोर्स बनाइए, सबसे अच्छा चीज़ बता रही हूँ। NCERT के एग्जाम्पल्स करिए, NCERT की एक्सरसाइज करिए, और DS सर का चैनल, ये अगर आप लोग कर लेते हैं आराम से, जो आपकी प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक खत्म हो रहा है। अब 10-15 मिनट की वीडियो में एक टॉपिक खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों का खत्म हो गया। एक टॉपिक करने के बाद जब तक आप 20-25 क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के ना कर लें, तब तक आप ये मत सोचिए कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको वीकली टारगेट दे रही हूँ आपने मुझसे मांगा था, तो वीकली या आप ये मान लीजिए क्वार्टरली टारगेट है। मैथ्स को 20 डेज 15, ये जो 20 मार्क्स की मैथ्स है, आपको मैं 15 दिन का टाइम दे रही हूँ कि 15 दिन के अंदर आप मैथ्स को किसी भी कॉस्ट पे कंप्लीट कर दीजिए एट एनी कॉस्ट। चाहे 15-14 दिन हो जाए, पर 15-16 दिन नहीं होने चाहिए। अब आपको वो चेक करना है कि आप 4 घंटे पढ़ते हैं या 6 घंटे पढ़ते हैं, बट अगले 15 दिन में आप लोगों का मैथ्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए, अगर आप मुझसे टारगेट मांग रहे हैं। मैथ्स के अलावा कुछ भी मत छूइए, लेकिन यस, अपने सब्जेक्ट को अपने साथ हमेशा रखिए। सब्जेक्ट की 1.5 घंटा प्रिपरेशन ज़रूर करिए, क्योंकि सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है हमें, अपने जनरल पेपर के साथ अपने सब्जेक्ट को ज़रूर ज़रूर रखना है, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, आगे हार्डवर्क कर पाएंगे। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, पॉजिटिविटी इज़ द की टू सक्सेस। जब तक आप डरते रहेंगे, आप लोग नेगेटिव सोचेंगे, पता नहीं इस बार भी होगा या नहीं होगा, इस बार भी फेल हो गई तो, इस बार भी फेल हो गया तो, मेरे पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
मुझे तो लोग मुझसे तो बहुत बहुत सालों से लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार लोग दोस्त तीन तीन सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाता है, और कई बार जो बच्चे तीन चार महीने से पढ़ रहे होते हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ हार्डवर्क प्लस आपका लक, दोनों चीज़ें जो होती हैं आपके सिलेक्शन में काम करती है। तो सिर्फ लक के भरोसे ना बैठे, अपने आप का बेस्ट दीजिए, और उसके बाद नहीं होता है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट ये अफसोस नहीं होगा कि हमने उसके लिए मेहनत नहीं करी। मेहनत पूरी करिए, एंड आई एम ऑलवेज देयर विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कैसी भी क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरी वन, हैव अ नाइस डे।